जितने भी कलाकार है जो कर मैंने प्रीमियर आंदे देखे हैं, पंजाब में प्रीमियर हुआ है किसी भी मूवी का, तो कलाकार बुलाए जावे है, वे आवे हैं, फिल्म देखे हैं, तो बढ़िया लागे है। मैंने सोचा यही प्रोफेशनलिज्म मैं हरियाणा में दिखाऊंगा। मैंने प्रीमियर करया, मैंने हर एक कलाकार से इन्वाइट करया, हर एक कोई भी हो जाए, हर एक किसी के अगर लोगों लागा इससे बड़ा नहीं थी उससे उसकी तो कौन बुलाया होगा। मैंने हर किसी ती भेजा है इन्विटेशन, मगर दुख इस बात का है सबने सीन कर कर का छोड़ दिया है। मैं देखो स्क्रीन शॉट तो हमने नहीं दिखा नहीं सकता क्योंकि उस कलाकार ने भी बुरा लगेगा, मगर बहुत दिल तक बुरा लग गया भी कोई भी प्रीमियर में नहीं आया। मैंने कोई ऑडियंस नहीं चाहिए थी। इंस्टा पर सोशल मीडिया पर सब तक बड़े अकाउंट मेरे हैं, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, सब तक बड़ा इंस्टा हैंडल ले रहा हूँ, सब तक बढ़िया सोशल मीडिया हैंडल ले रहा हूँ, बढ़िया गाना का रिस्पॉन्स है, कोई कोलैब का भूखा नहीं, कुछ नहीं चाहिए मैंने किसी कलाकार से। सिर्फ यो दिखाना चाहता था भी भाईचारा है हरियाणा में, सब ने साथ दिया है, एक सुथरा लागता अगर सारे आते ने सुथरा लागता बैठे सारे, बस इस बात का बुरा लग गया है। बाकी जिन कलाकारों ने सपोर्ट करया है, स्टोरी लगाई है, एक पोस्ट भी छोटी सी अगर मेरा खातर गिरी है, उनका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा मैं। और यूट्यूबर भाई है जितने, उन्हें कहा है कि ईब तो ये बुलावेगा सबने इंटरव्यू देने खातर, इसने जरूरत है। मैंने किसी यूट्यूबर थी किसी इंटरव्यू देने खातर नहीं बुलाया था, वो कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, कंपनी ने सब बुलाया था। कुछ यूट्यूबर खातर तो मैंने इतनी शर्म आई, उनने जब कंपनियां रहने मेरे थी बताया कि सर वो तो 25,000 रुपए मांग रहे, 30,000 रुपए मांग रहे हैं। आप समझ लग रही हो इस बात ने, यूट्यूबर ने भी पीछे मांगे हैं कि 25,000 दोगे जब आवेंगे इंटरव्यू लेने और माहौल बना देंगे। इस बात का बहुत बुरा लग गया है। और जो आए भी कई, कुछ ने बढ़िया पूछे, कई ने तो सवाल ही से पूछे, किसी ने फिल्म से रिलेटेड तो सवाल पूछे ही नहीं, किसी ने नहीं पूछा गुलजार ने फीस कितनी ली इस फिल्म में। बहुत अजीब लग गया है सच बताऊं तो। मैं जितना प्रोफेशनलिज्म क्रिएट करना चाहूं ना हरियाणा में, उतना हो नहीं पा रहा। लोग उड़ा जाकर मेरे तक पूछा है कि दिलेर भाई और सुमित भाई की लड़ाई चला था रहा क्या कहना है, उसकी लड़ाई उस तक चल रहा है तारा के कहना है, उस कला का खातर तुम के कहना चाहोगे थारी बनाया गई उसकी एक थंबनेल खातर सिर्फ। तुमने लगा इन बातों का कोई मतलब जरूरी हुआ है अभी, मान लो कलाकार हम लड़ाई करवानी या इस तरीके से थंबनेल लगाने ये चीजा करनी। मेरा यह कहना है भाईचारा बनाओ पूरे हरियाणा में, इस तरीके की चीजा ना कराया करो, और हरियाणा ने सपोर्ट करे और हरियाणा खातर जाओ इस फिल्म ने देखन। और अगर पहले सीधे ना जाओ, जो गए हैं उन तक पूछो कि किसी की लागी, अगर वे घटिया कहते ना जाइयो, अगर वे कहते भी